शिकारी पाड़ा थाना क्षेत्र के आमचुआ गांव में आज रात के करीब 3 बजे बाबू रजी मुर्मू के धान के खलियान में आग लग जाने के कारण लगभग 20 क्विंटल धान जलकर राख हो गया। बाबू रजी मुर्मू के अनुसार करीब 3 बजे के आसपास उनके खलियान में उसे आग की लपटें दिखाई दी, जिसे देखकर वो हल्ला किया और ग्रामीण जमा हो गए और ग्रामीणों ने भी आग बुझाने में मदद करने लगे। मौके पर समाज सेवी पंकज कुमार दास ने शिकारी पाड़ा प्रशासन अग्निशमन विभाग को सूचना दी। सूचना पाते अग्निशमन विभाग एवं शिकारी पाड़ा प्रशासन मौके पर पहुंचकर आग को पूरी तरह से बुझा दिया, लेकिन अग्निशमन वाहन को घटनास्थल तक पहुँचने में रास्ते में जितना समय लगा इस दौरान लगभग सारा धान जल चुका था। बाबू रजी मुर्मू का कहना है कि इसी धान के भरोसे ही वो अपना घर का गुजारा करते हैं। धान जल जाने के कारण उनके ऊपर आर्थिक संकट आ गया है। वहीं बाबू रजी मुर्मू ने आशंका जताते हुए कहा कि धान की खलियान को किसी ने साजिश के तहत आग लगाया है। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।